मजा आ रहा है जीने में। महादेव जो बजे सिरे में। क्या हुआ? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज से हम लोग का केदारनाथ का जो ट्रैक है वो शुरू हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मौसम जो है भाई बहुत तेज तेज हवाएं चल रही है और पीछे आप देखोगे लोग जा रहे हैं। तो हम भी अपना ट्रैक अभी शुरू करने वाले हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो पीछे रह गए, वो आ रहे हैं, तो फिर हम लोग यहाँ से साथ में गौरीकुंड जाएंगे, गौरीकुंड से आगे। तो इस ब्लॉग में आप देखोगे केदारनाथ का ट्रैक। तो आपको एक चर्चित चेहरे से मैं मिलाना चाहता हूँ, मेरे बचपन का मित्र, मेरा स्कूल फ्रेंड, मेरा जिगरी यार, बाइकर वर्धन भाई, बाइकर ट्रैकर। और ये भाई जो हमारे बगल वाले जो भाई है ना, कहाँ गए भाई साहब? भाई साहब, ये भाई साहब थोड़ा बोला हो रहे हैं, तो इनको पता नहीं है कि ट्रैक जो है बहुत आराम आराम वाला चीज है। देखो भाई, ट्रैक में अगर बोला होगी ना, तो पहला तुम 500 मीटर तो बहुत अच्छे से चले जाओगे, उसके बाद हालत खराब हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से जाओ। पूरा दिन है अपने पास यार। 2-1 श्री केदारनाथ धाम में आपका हार्दिक 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 स्वागत है। देखो भाई कितनी लंबी लाइन है हर्ष भाई, यहाँ से लेके वहाँ तक, वहाँ से लेके पूरा पुल, देखो वहाँ से लेके वहाँ तक लाइन, बाद भी आगे उसके बाद गाड़ी मिलेगा। तो हमको लगता है कि लग जाएगा 45 मिनट्स। तो गौरीकुंड तक आने के लिए ना ये रास्ता है, पीछे आप देख रहे हो जाम लगा चुकी है और हम लोग आधा रास्ते में उतर गए, उतर गए क्योंकि यहाँ से पैदल चल करके चले जाएंगे, उतना देर गाड़ी को ले जाने में लग जाएगा। कितना लगता है चाचा, कैसे लेकर जाते हो आप लोग? मतलब आदमी के वजन पे डिपेंड करता है। कितने देर में पहुँचा, कितने देर में पहुँचा देते हो? 24 किलोमीटर। 24 घंटा लगा दोगे? 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर कितना देर लगेगा? पूरा दिन लग जाए, शाम तक पहुँचेंगे। तो ये सारे भैया लोग जो है ये लोग पालकी में लेकर के जाते हैं, आपने केदारनाथ मूवी में भी देखा होगा। ये भी भैया है, वेट पे डिपेंड करता है। और आप लोग को ये आईडी कार्ड क्या नीचे से मिलता है? हाँ जी, ये तो सरकारी है। अच्छा, गवर्नमेंट में से मिलता है। 16 किलोमीटर यहाँ से शुरू होती है चढ़ाई और ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। अभी से मजा आ रहा है जीने में। महादेव जो बजे सिरे में। यहाँ से जो है डोली को ले जाने की तैयारी चल रही है गौरीकुंड से। तो ये बज रहे हैं सुबह के 7:30, मेरे को लगता है अराउंड 8 बजे तक ये यहाँ से निकल जाएगी। हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, डोली जो है उठेगी निकलेगी। हम लोगों ने बहुत नाचा, उठी गई थी भाई, बहुत नाचा, बहुत आया भाई, एनर्जी का जो लेवल है ना वो 3 गुना बढ़ गया है। मतलब बताओ डांस कैसा लगा यार? हाँ कमेंट करके बताना डांस कैसा। बम बम भोले, बम बम भोले। भाई साहब 10 साल से लेकर के 70 साल 80 साल के लोग भी उसी एनर्जी के साथ नाच रहे हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे साथ एक भैया, आप भी चढ़ रहे हो भैया ऊपर? कहाँ से हो आप? पटियाला से है ये भैया और ये भी केदारनाथ पहली बार है। कैसा लग रहा है, एक्साइटमेंट कैसा है? मजा आ रहा है। अभी जो ट्रैक करेंगे उसमें और मजा आएगा। अभी आप लोग क्या डोली के साथ जाओ? भैया जो है डोली के साथ जाने वाले हैं एक्चुअली। हम लोग यहाँ पे चाय बिस्किट लिए हैं और पानी लिए हैं। गौरीकुंड से 1 किलोमीटर ऊपर लगभग आ चुके हैं और भूख लग रही थी क्योंकि सुबह सुबह बिना खाए चढ़ाई शुरू किए थे।
तो पानी जो है यहाँ पे 40 रुपए का। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप एक बॉटल ले लो, उसको खाली कर लो, फिर आपको रास्ते में झरना मिलेंगे, वहाँ से आप भर सकते हो। क्या सब कुछ अवेलेबल है खाने के लिए, पीने के लिए जूसेस, खीरा खा सकते हो आप यहाँ पे। ये एक तरह का हॉल्ट है एक्चुअली, यहाँ पे रुक के आपको जो मन है वो ले सकते हो। हमारे साथ जो है ना, और हम लोग जैसे ब्लॉगर्स कंटेंट क्रिएट करने वाले बहुत ऐसे भाई मिल गए। तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन जंगल है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे चैनल का नाम सफर सीजी है। और आप किस टाइप का कंटेंट बनाते हो? मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। ट्रैवल। और हमारे एक और भाई थे, वो कहाँ रह गए? वो शायद आगे चले गए। आगे चले गए। और बाइकर वर्धन में पूरा जोश दिख रहा है। पूरा जोश है भाई, पूरा जोश है। हर हर महादेव। और धूप निकल गई है तो सुबह जो ठंड लग रही थी वो ठंड अब नहीं लग रही। और हम लोग भैरव मंदिर पहुंच गए, चीर बासा। वाइब्स पॉजिटिव, थकान हो रही है लेकिन अगर आप रुक रुक के चलते हो तो ठीक है, थकान इज ऑल्सो गुड, मज़ा आता है। हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पे ना पानी की बोतल की कीमत 50 रुपए है भाई, हर बार नहीं खरीद सकते हो, 10 बोतल का मतलब है 500 रुपए। तो पीछे जो है महादेव के घर से पानी आ रहा है, और ये आप पियोगे ना डाइजेशन भी बूस्ट होगा और गजब का मजा आएगा, और ठंडा ठंडा पानी है। नहीं करता था, अभी जाना शुरू किया। देखो पीछे लोग भजन सुनते सुनते आ रहे हैं, और काफी लोग यहाँ पे आपको पीछे देखने को मिलेगा कि यहाँ का पानी पी रहा है। और धूप देख रहे हो आप मेरे चेहरे पे, पता चल रहा होगा, थोड़ा थोड़ा गर्मी लगने लगा है लेकिन ठीक है, मजा आ रहा है। बहुत ठंडा, बहुत शीतल पानी। हमारी जो 5 किलोमीटर, हमारी 5 किलोमीटर की ट्रैक जो है वो कंप्लीट हो गई, और अभी बीच में बारिश होने लगा और अचानक से ठंड भी बढ़ गई। तो हमारे जो भाई हैं वो बैग लेकर के थोड़ा सा आगे हैं, उसमें हमारा रेनकोट है। थोड़ा बारिश रुकेगा फिर हम आगे जा करके रेनकोट ले लेंगे, और अभी ठंड अचानक से बढ़ गई। इसको देखो, इसने जैकेट पहन लिया, मैं भी जैकेट का चेन लगा रहा हूँ भाई, और बारिश की छींटे इधर भी आ रही है। इतना बर्फ क्या हुआ, चले भाई थक गया है। तो हम लोग का अभी 9 किलोमीटर और बाकी, और सच में भाई बहुत आसान नहीं है, इतना आसान लोग कह देते हैं उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रैक आसान नहीं होता यार, हम लोग 10 मिनट चलते हैं भाई, फिर लगता है आधा घंटा बैठ जाए, और फिर 10 मिनट चल के फिर लगता है आधा घंटा बैठ जाए। तो 4-5 घंटे में हमारा कितना हुआ यार, 4-5 किलोमीटर हुआ है, तो समझ लो। और खड़ी चढ़ाई है यहाँ, अभी क्या हुआ बारिश हो गई तो हम लोग को अपना चाल धीमा करना पड़ गया क्योंकि सड़कें सारी भीग गई थी। 7 किलोमीटर अभी तक हो गया हमारा। कुछ लोग इधर से जा रहे हैं, कुछ लोग इधर से जा रहे हैं। ये थोड़ा शॉर्टकट है, वो ऐसे चढ़ के ऐसे जाके ऐसे टच करना है, ये शायद सीधा से आपको वो ब्रिज तक ले करके चला जाएगा। तो ये हम लोगों को एनीवे शॉर्ट पड़ेगा थोड़ा, हम लोग इधर से चलते हैं। ऐसे अगर इधर से जाते हैं तो ये ब्रिज क्रॉस करके फिर सीधा ऊपर चढ़ के वहां चढ़ना होगा, फिर वहां चढ़ना होगा, ये शॉर्टकट है थोड़ा, देखते कहां तक जाता है। चलो हर हर महादेव। हमारे महादेव, वो ग्लेशियर्स का पहला नजारा आपको दिख रहा है। आपने सुना है ना केदारनाथ में स्वर्ग से हवा आती है, ये देखो भाई ये बादल है हमारे साथ साथ चल रहे हैं, इधर हम चल रहे हैं इधर बादल भी चल रहे हैं। गाइज हमने कट लिया था रास्ता के लिए, तो देखो ये रास्ता फाइनली यहाँ आके मिलता है। हम आए इधर से, कुछ लोग आ रहे हैं इधर से, और हम लोग जाएंगे इस तरफ, ये सेम रास्ता है। ये 1.5 किलोमीटर हमारा बचाया, बचाया, कम समय भी लगा, चढ़ाई बहुत कठिन थी, अब यहाँ से और कठिन है। 8.5 किलोमीटर बचा है हाँ। केदारनाथ मंदिर, अब कर्म का फल तो भोगे हैं लेकिन कष्ट भी करेंगे तब भोले मिलेंगे। बिल्कुल। आप देख रहे हो हम लोग पहुंच गए अभी रामबाड़ा,
और ये रास्ता जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा त्रासदी में तबाह हुआ था, इसको पानी ने काटा है और ये पूरा जगह ना पूरा वैनिश हो चुका था। रामबाड़ा सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ था क्योंकि सबसे हाइट से पानी सबसे पहले यहीं पे आया था। और अभी हम लोग को जाना है इस रास्ते से हो करके, ऐसे हो करके उस तरफ, और हमको लगता है वो पहाड़ के पास ही बसते हैं महादेव, क्या उसी पहाड़ के आसपास गारंटी है। यात्री देख ले कहाँ जा रहा है वहाँ ऊपर। वहाँ के बाद रास्ता किधर है? सीधे है हमको लग रहा है, सीधे ऐसे गोल गोल घूमते हुए वहाँ तक जाएगा। तो काफी अभी और मजा आने वाला है। जब बारिश होती है ना, इधर से भी पानी आता है, इधर से भी पानी आता है, उधर से भी पानी आता है, हर तरफ सिर्फ झरने ही झरने होते हैं। आप समझ लो कि बारिश में अगर आप आ रहे हो यहाँ तो क्या गजब का माहौल मिलने वाला आपको, लेकिन बारिश में थोड़ी चढ़ाई थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है क्योंकि रास्ते में फिसलन होती है, बहुत कुछ होता है, लाइट स्लाइड्स होता है, बीच बीच में तेज की बारिश होने लगती है, और आपदा के बाद ऐसे लोग कम आना पसंद करते हैं बारिश के समय में। बहुत सारा शॉर्टकट लेने के बाद फाइनली एक और शॉर्टकट आया है, यहाँ पे आपको बर्फ भी देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं लग रहा है कि बहुत पास आते जा रहे हैं हम लोग। और शॉर्टकट से ये फ़ायदा हो रहा है ना कि ज़्यादा नहीं चलना पड़ रहा, थोड़ा सा टफ है चढ़ाई। देखो यार कैसे कैसे चढ़ाई है, अपने तो हम लोग ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिए हैं, 2 घंटा लगभग और लगने वाला भाई, है भाई 17 किलोमीटर का नहीं तो 12, हम नहीं मानते इसको 12, मत मानो 16 ही है, ये पुराना वाला रास्ता 16 था। हाँ वैसे 16 से तो ज्यादा 21 है, हाँ सही हम बोल रहे हैं, तो 17 तो कर ही लिया पिट्टू बोला कि 22 है। फिर इस हिसाब से भाई मेरा नहीं यार, वो देखो अभी हम पैदल पैदल आ रहे ना, और 2 शॉर्टकट था उधर, छह शॉर्टकट जो भी किया तो उनसे उससे ही आ रहे हैं। तो 17 किलोमीटर मेरा सोनप्रयाग से हुआ है, ठीक है, सोनप्रयाग से गौरीकुंड 4 किलोमीटर था मेरे घड़ी में, तो ये अभी तक तो मान लो 13 किलोमीटर ही है, ये 13 ही है, तो लगभग 13 किलोमीटर का ट्रैक हो गया हमारा। और बीच में हमने ज्वाइन किए हैं भागलपुर के जाने ब्लॉग भाई सुपुत्र भागलपुर के लाल पीले हरे गुलाबी SJ ब्लॉग्स। तो कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अभी तक थोड़ा सा जोश ठंडा हो गया था, लेकिन केदारनाथ के दरबार को सामने देख के और अपने दोस्तों को देख के मजा आ गया, जोश फिर से गर्मा गया, जोश फिर से गर्मा गया। तो भोलेनाथ सबके साथ, हर महादेव हर हर महादेव महादेव महादेव। अब आगे का रास्ता अब हम लोग तय करेंगे, फिर आगे जाके रख के आपसे बात करते हैं। रात के 10 और फाइनली हम लोग पहुंच गए श्री केदारनाथ धाम, और श्री केदारनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। और इधर है SJ ब्लॉग्स, ठंड पूरा है और अभी तक हम लोग के रहने का जो है व्यवस्था नहीं हुआ है, अभी जा रहे हैं वहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाते हैं। महादेव सबके साथ भोलेनाथ, तो कुछ ना कुछ केदारनाथ। फाइनली मशक्कत के बाद रात के 11 बजे हम लोग पहुंच गए श्री केदारनाथ धाम, वो देखिए वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव।